नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है मोहित सिंह और स्वागत है ट्रैक्टर जंक्शन की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमारे साथ में है पावर ट्रैक कंपनी का पावर हाउस सीरीज के अंदर आने वाला 439 प्लस 45 एचपी कैटेगरी के अंदर ये ट्रैक्टर आता है। आपके लिए किस प्रकार से एक अच्छा विकल्प बनेगा, क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे। उसके साथ में कीमत की जानकारी भी इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। किसान साथियों, सबसे पहले फ्रंट लुक की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आप चेक करेंगे इसका जो लुक है काफ़ी हैवी ड्यूटी क्वालिटी के साथ में आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी बल्कि डिज़ाइन सामने की तरफ ये ट्रैक्टर लगता है, क्योंकि इसमें आपको 90 किलो का बम्पर आपको देखने को मिल जाएगा जो कि प्रो सीरीज़ के साथ में आता है। अलग से सामने की तरफ ग्रिल दी गई है और नीचे की तरफ चेक करेंगे तो यहाँ पे टोचन वगैरह के लिए अलग से यहाँ पे टो हुक भी दिया गया है। यूरो पावर हाउस की ब्रांडिंग सामने की तरफ क्रोम फिनिश डिज़ाइन के साथ में देखने को मिल जाती है और साइड में ऑक्सिलरी लाइट भी आपको देखने को मिलेगी जो कि रात के समय काफ़ी अच्छा फोकस देती है और रोशनी भी काफ़ी बेहतरीन इसमें आपको देखने को मिल जाती है। वहीं साइड में जो मेन हेडलाइट है वो हलोजन बल्ब के साथ में देखने को मिल जाती है। एलईडी का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिंपल हलोजन बल्ब के साथ में ही देखने को मिलती है। सामने की तरफ जो ग्रिल है वो आप चेक करेंगे तो काफ़ी बड़े साइज में देखने को मिल जाती है। एयर सर्कुलेशन काफ़ी लंबे समय तक इसमें बना रहता है। दोनों साइड आपको काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है और बीच में आप चेक करेंगे तो एस्कॉर्ट कंपनी का सिग्नेचर लोगो ग्रिल के साथ में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फ्रंट एक्सल की बात करी जाए तो यहाँ पे बिल्कुल फिक्स फ्रंट एक्सल इसमें आपको देखने को मिल जाता है। क्वालिटी आप चेक करेंगे तो काफ़ी हैवी ड्यूटी क्वालिटी के साथ में इसका फ्रंट एक्सल आपको देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल फिक्स दिया गया है, किसी प्रकार की जो एडजस्टमेंट है यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवाई गई है। उसके बाद इसके बोनट की बात करें तो इसमें आपको सिंगल पीस यूनिट के साथ में बोनट देखने को मिल जाएगा। हालांकि ऊपर की तरफ चेक करेंगे जो एयर क्लीनर है इसमें आपको ऑयल बार टाइप का ही देखने को मिल जाता है। प्री क्लीनर ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा जो कि आसानी से साफ करके ट्रैक्टर को उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा इसके बोनट को आप ऊपर की तरफ कुछ इस प्रकार से खोल सकते हैं, काफ़ी वाइडर लुक के साथ में ऊपर की तरफ ये खुलता है। सर्विस वगैरह करनी है, मेंटेनेंस का कार्य करना है तो आसानी से ऊपर की तरफ इसको खोल सकते हैं। लॉक यहाँ पे साइड में आपको देखने को मिल जाता है और खोलने और बंद करने में किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं आएगी, क्योंकि इसमें आपको दोनों ही साइड डुअल गैस स्ट्रट्स देखने को मिल जाती हैं। डुअल गैस के पंप आपको देखने को मिल जाएंगे, इसको खोलने और बंद करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। बैटरी का सामान नीचे की तरफ यहाँ पे रखा गया है वो आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो एयर क्लीनर है उसकी असेंबली आप चेक कर सकते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे मोबिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन रेडिएटर है एल्युमिनियम की जाली के साथ में इसका जो रेडिएटर आपको देखने को मिल जाता है। सामने की तरफ डुअल प्रोटेक्शन देने के लिए एक्स्ट्रा जाली यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवाई गई है, सिंपल जाली ही इसमें आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद कूलिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको वाटर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है। हालाँकि कूलेंट के लिए अलग से रिकवरी बोतल भी आपको देखने को मिलेगी जो कि रिजर्वायर के साथ में यहाँ पे आती है। कूलेंट का भी आसानी से इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जो ऑयल की सप्लाई है बिल्कुल अलग से होने से जो पावर स्टीयरिंग है उसके अंदर लुब्रिकेशन काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है और ऑयल में किसी प्रकार का यहाँ पे जंग लगने का खतरा या फिर कोई कण आ जाएगा तो इसमें पंप के अंदर जो समस्या है खराब होने की वो नहीं आएगी और लंबे समय तक जो पावर स्टीयरिंग है उसमें किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं देखने को मिलती है। जो पावर स्टीयरिंग है इस ट्रैक्टर के अंदर आपको सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने को मिलता है बैलेंसिंग रोड के साथ में। बैलेंसिंग रोड नीचे की तरफ यहाँ पे दी गई है जिससे बैलेंस काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है। उसके अलावा किसान साथी, इसके इंजन कॉन्फ़िगरेशन की बात करी जाए तो इसमें आपको पावर ट्रैक कंपनी का खुद का इंजन देखने को मिल जाता है जो कि 3 सिलेंडर 2490 सीसी के साथ में आता है। 45 एचपी कैटेगरी की पावर आपको देखने को मिल जाती है। जो मैक्सिमम टॉर्क है आपको 145 न्यूटन मीटर से लेकर 150 न्यूटन मीटर तक के बीच का टॉर्क इसमें आपको देखने को मिल जाता है। वहीं नीचे की तरफ इस ट्रैक्टर के अंदर जो डीजल की सफाई है उसके लिए अलग से सिंगल फिल्टर आपको देखने को मिल जाता है और डीजल के अंदर जो पानी की मात्रा आ जाती है उसको बाहर निकालने के लिए वाटर सेपरेटर भी यहाँ पे दिया गया है जो कि काफ़ी एक सुविधाजनक फीचर आपको देखने को मिल जाता है। उसके साइड में नीचे की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पे टूल बॉक्स आगे की तरफ रखा गया है जो कि मेटल बॉडी के साथ में यहाँ पे आता है। उसके बाद इस ट्रैक्टर के अंदर जो डीजल टैंक दिया गया है वो आप चेक कर सकते हैं, मेटल बॉडी के साथ में देखने को मिल जाता है और 50 लीटर की कैपेसिटी के साथ में इसका डीजल टैंक आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आप चेक करेंगे तो यहाँ पे केयर बटन अलग से इसका फीचर आपको देखने को मिल जाता है, उसकी ब्रांडिंग नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगी और जो केयर बटन की असेंबली है यहाँ पे बोनट के नीचे ही यहाँ पे डिज़ाइन करी गई है। ट्रैक्टर के अंदर किसी भी प्रकार की समस्या आ जाती है या फिर कोई भी तकनीकी खराबी आ जाती है तो इसे बटन की सहायता से डायरेक्ट आप जो है कंपनी के एम्प्लॉय से बात कर सकते हैं जो कि जो समस्या है उसका समाधान आसानी से आप जो इस बटन की सहायता से पा सकते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ से अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो जो पावर स्टीयरिंग की जो ऑयल की सप्लाई है और हाइड्रोलिक की जो ऑयल की सप्लाई है उसके लिए यहाँ पे टैंडम पंप इस्तेमाल किया गया है, उसकी असेंबली आप चेक कर सकते हैं। जो हाइड्रोलिक का फिल्टर है वो नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा किसान साथी, उसे ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म की बात करी जाए तो आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी खुला और बड़ा प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेगा।
साइड शिफ्ट गियरबॉक्स होने से बीच में काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। और साइड में आप चेक करेंगे जो साइड फेंडर्स हैं जो आप चेक करेंगे तो वो आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी ऊंचाई के अंदर दिए गए हैं जिसमें कंफर्ट लेवल काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। और मेन जो पैडल हैं वो पुश पैडल ही से ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। और पैडल्स के अंदर आपको रबर मैटिंग अलग से यहाँ पर दी गई है। प्लेटफॉर्म पर चढ़ने के लिए सिंगल फुटस्टेप आपको देखने को मिल जाता है, कुछ इस प्रकार से आसानी से जो है आप चढ़ सकते हैं। और जो सीट है फुली एर्गोनॉमिक शेप के साथ में यहाँ पे डिज़ाइन करी गई है, जितने भी लीवर हैं हाथ के आसपास आपको देखने को मिल जाते हैं। और जो सीट है उसकी चौड़ाई आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी चौड़ाई के साथ में दी गई है। जो कुशन है वो भी पीछे की तरफ काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिल जाता है। सीट जो है अपनी हाइट और वेट के हिसाब से एडजस्ट करके आप जो है चला सकते हैं। उसके अलावा किसान साथी हम बाएँ तरफ से स्टार्ट करेंगे तो जो मेन इसमें आपको साइड शिफ्ट गियरबॉक्स दिया गया है 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स की स्पीड के साथ में देखने को मिल जाता है, जो कि फुली कॉन्स्टेंट मैश ट्रांसमिशन के साथ में आता है। भागते हुए ट्रैक्टर में भी बिल्कुल मक्खन तरीके से इसके गियर को आप बदल सकते हैं, किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं आने वाली है। हाई और लो स्पीड के जो रेंज है आप इसे लीवर की सहायता से सेट करके जो है चला सकते हैं। और जो मेन लीवर है वो आपको साइड में देखने को मिल जाता है, रिवर्स है, जो स्पीड है मेन वो आप चेक करके चला सकते हैं। वहीं किसान साथियों क्लच की बात करें तो इसमें आपको सिंगल क्लच देखने को मिल जाती है। और जो पीटीओ की स्पीड है उसका लीवर साइड में नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है, येलो कलर का आप चेक कर पा रहे हैं। मेन जो स्पीड है पीटीओ की आप चेक कर सकते हैं, मल्टी स्पीड चला सकते हैं, मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ आसानी से इसे ट्रैक्टर के अंदर आप उपयोग करके जो चला सकते हैं वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सिंबल भी अलग से देखने को मिल जाता है। और जो 540 RPM के चक्कर है वो भी आसानी से ट्रैक्टर के अंदर जो पीटीओ की आप चला सकते हैं। वहीं स्टीयरिंग व्हील और मीटर कंसोल की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज में देखने को मिल जाता है। और सिंगल हैंड यूज़ करने के लिए अलग से नोब भी आपको चेक करने को देखने को मिल जाती है, उपयोग करके आसानी से आप चला सकते हैं। मीटर कंसोल आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल आपको देखने को मिल जाता है, बट छोटी सी डिजिटल स्क्रीन नीचे की तरफ दी गई है जिसमें ट्रैक्टर के घंटे आप चेक कर सकते हैं। और बीच में RPM मीटर दिया गया है। 45 HP की कैटेगरी की फुल पावर ये जो ट्रैक्टर है 2200 इंजन RPM पे जो प्रोड्यूस करता है। साइड में डीजल कितना है वो आप चेक कर सकते हैं, और उसके अलावा टेम्परेचर कितना है वो चेक कर सकते हैं। लाइट से जुड़े संकेत आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाएंगे। और मेन जो स्पीड चार्ट है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इसे ट्रैक्टर के अंदर जो उपयोग करके जो इम्प्लीमेंट है आप उपयोग करके किस स्पीड में चला सकते हैं, उसकी अलग से यहाँ पे चार्ट कंपनी ने असेंबल किया है, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा एक महत्वपूर्ण फीचर है। और मेन जो मैक्सिमम स्पीड है इसे ट्रैक्टर के अंदर वो आप चेक कर सकते हैं, रोड की जो स्पीड है 38.4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड देखने को मिलेगी, जो कि 2450 यानी फुल रेस पे आपको देखने को मिल जाती है। साइड में हाइड्रोलिक के कंट्रोल आप चेक कर सकते हैं, जो PCDC लीवर है फुली एर्गोनॉमिक शेप के साथ में डिज़ाइन किए गए हैं, जो कि उपयोग करने में काफ़ी सहायक आपके लिए बनने वाले हैं। और नीचे की तरफ जो ब्रेक है वो आपको फुली तेल में डूबे हुए डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। और रोड की सेफ्टी के लिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लॉक भी नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा, जो कि आसानी से उपयोग करके आप चला सकते हैं। सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है तो ट्रैक्टर का टर्निंग रेडियस आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी मक्खन कटाई के साथ में देखने को मिल जाता है। और जो इंजन का साउंड है क्विक रिस्पॉन्स जो है इंजन का आपको देखने को मिल जाएगा। तो साइड में आप चेक करेंगे तो सेंसी इंडिया नंबर 1 लिफ्ट की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है, वो आप चेक कर सकते हैं। पीछे की तरफ यहाँ पे जो है इसकी जो हाइड्रोलिक की क्षमता है 1600 किलो की क्षमता के साथ में ये ट्रैक्टर आता है। पीछे की तरफ आसानी से जो है लोड आसानी से आप उठा सकते हैं, यानी 16 क्विंटल की लिफ्ट कैपेसिटी के साथ में ट्रैक्टर आता है, जो कि फुली ऑटोमेटिक डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल के साथ में आता है। जो टोपलिन के सेंसिंग पॉइंट है वो आप 3 यहाँ पे चेक कर सकते हैं, हार्ड मिट्टी है, सॉफ्ट मिट्टी है, मीडियम मिट्टी के हिसाब से सेट करके इंप्लीमेंट के साथ में इसको ऑपरेट कर सकते हैं। साइड में हाइड्रोलिक की जो लिंकें हैं वो आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी लंबाई के साथ में दी गई है। और साइड में जो स्टेबलाइजर है वो टेलीस्कोपिक यानी पंप सिस्टम वाला ही आपको देखने को मिल जाता है। और इसे ट्रैक्टर के अंदर आपको फैक्ट्री फिटेड यहाँ पे टोपलिन दी जाती है, नीचे की तरफ हुक भी आपको देखने को मिल जाएगा। और पीटीओ की जो शाफ्ट है 6 स्प्लाइन वाली आपको देखने को मिलेगी, जो कि फुली कवर के साथ में यहाँ पे आती है। अब ये जो ट्रैक्टर है ट्रॉली वगैरह में आपको चलाना है या फिर MB प्लाउ के साथ में चलाना है, लेजर लेवलर के साथ में चलाना है, तो उसके लिए रिमोट वाल्व का एडिशनल फीचर दिया गया है। सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप चला सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे अलग से लीवर भी देखने को मिल जाता है। वहीं रोड की सेफ्टी के लिए रिफ्लेक्टर दिया गया है। अब इसे ट्रैक्टर के पीटीओ पावर की बात करें तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो जो मैक्स पीटीओ पावर है 30.65 किलोवाट की देखने को मिल जाती है। पीछे की तरफ टेल लैंप आपको जो है बिल्कुल सिंपल हलोजन बल्ब के साथ में देखने को मिल जाएंगे। और 5 ईयर की वारंटी के साथ में ट्रैक्टर आता है, यानी 5000 घंटे की जो मैक्सिमम वारंटी है इसे ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कंडीशन अप्लाई यहाँ पे इसका प्रॉपर स्टिकर भी यहाँ पे कंपनी ने अप्लाई किया है।
उसके अलावा रियर एक्सल की बात करें तो इसमें आपको जो मेन रियर एक्सल है वो क्राउन पिनियन की गिरारी के साथ में देखने को मिलेगा। जो क्राउन पिनियन की गिरारी है काफ़ी हैवी ड्यूटी क्वालिटी के साथ में देखने को मिल जाती है। ये जो इनबोर्ड रिडक्शन सिस्टम है वो ट्रॉली के कार्य के लिए और जो खेत के अंदर इम्प्लीमेंट के साथ में ट्रैक्टर को अगर आप चलाएंगे तो काफ़ी बेहतरीन खिंचाई देखने को मिल जाएगी, किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं आएगी और जो परफॉर्मेंस है ट्रैक्टर के वो भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। टायर साइज की बात करें तो जो रियर टायर साइज है वो आप चेक कर सकते हैं, 13/6/28 के साइज में दिया गया है। व्हील के अंदर किसी प्रकार का वेट प्रोवाइड नहीं करवाया गया है, सिंपल व्हील आपको देखने को मिल जाता है। और जो फ्रंट टायर साइज है वो आप चेक कर सकते हैं, 6/16 के साइज में आपको देखने को मिल जाता है। किसान साथियों, ये जो ट्रैक्टर है 45 HP कैटेगरी के अंदर आता है, तो ब्रांडिंग आप चेक कर सकते हैं। मैक्सिमम इसे ट्रैक्टर के अंदर आपको 45 HP की जो कैटेगरी की मैक्सिमम पावर है वो देखने को मिल जाएगी। तो अगर हरियाणा के भिवानी जिले में इसे ट्रैक्टर को आप खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे डीलरशिप का एड्रेस कुछ तरह से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसे ट्रैक्टर का जो ओनर प्राइस है 6,80,000 से 6,90,000 के ओनर प्राइस पे यहाँ पे इसको खरीद सकते हैं। जो कीमत होती है वो डीलर टू डीलर वेरी करती है, उसके अलावा स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। अगर आप भी अपने एरिया के हिसाब से ट्रैक्टर की कीमत की जानकारी लेना चाह रहे हैं तो tractorjunction.com वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। लोन की जानकारी आपको लेनी है तो वेबसाइट पर ट्रैक्टर को सर्च करेंगे तो नीचे की तरफ जो है आपको लोन की जानकारी देखने को मिल जाएगी, कितना डाउन पेमेंट आपको करना है, कितने परसेंट आपको लोन लेना है वो आप चेक कर सकते हैं। वो जो प्लेटफॉर्म है केवल आपके लिए यहाँ पे बनाया गया है। उसके साथ साथ में किसान साथियों, अगर आपको ऐसे ही नए नए ट्रैक्टर्स की जानकारी आपको प्राप्त करनी है कीमत की जानकारी के साथ में, तो YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, कंप्लीट सोशल मीडिया अकाउंट्स को आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा किसान साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी भरे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।